गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेवन लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिवियोफेज या जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी की हम बात करें तो जीवाणुभोजी शब्द या बैक्टीरियोफेज दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है बैक्टीरिया और दूसरा है फेज। फेज शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के शब्द फेजीन से आया है। फेजीन का मतलब होता है टू ईट, मतलब जीवाणु को खाने वाले। बैक्टीरिया ईटर जो वायरस होते हैं उन्हें कहा जाता है जीवाणुभोजी। अर्थात जीवाणुभोजी ऐसे वायरस होते हैं जो कि जीवाणु को इन्फेक्ट करते हैं अथवा जीवाणु को नष्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज का श्रेय ट्रोट तथा हरले दोनों को दिया जाता है। हालांकि दोनों ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पे इसकी खोज की थी, लेकिन दोनों का काम इक्वली इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इसकी खोज का श्रेय ट्रोट तथा हरले दोनों को ही दिया जाता है। इसकी खोज किस प्रकार से की गई थी? सबसे पहले हमारे इंटेस्टाइन से कुछ जीवाणुओं को आइसोलेट किया गया था। उन जीवाणुओं को का आउटसाइड द इंटेस्टाइन कल्चर किया गया। उस कल्चर को जब बैक्टीरिया रहित फिल्टर से प्राप्त सीवेज के पानी से, मतलब पहले सीवेज से कुछ पानी लिया गया, उसे बैक्टीरिया रहित फिल्टर से छाना गया, और जो फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ जब उसको उस जीवाणु के कल्चर पर से इन्फेक्ट किया गया या उसे ट्रीट किया गया, तो देखा गया कि समस्त जीवाणु मर जाते हैं। तो इससे यह पता चला कि इस फिल्ट्रेट में कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि जीवाणुओं को मारते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया था। बैक्टीरियोफेज नाम दिया था डी हरले ने। करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या मुख्य इसके करेक्टर्स होते हैं, उसकी हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज की संरचना अगर हम देखें तो यह टेडपोल की आकृति का होता है। टेडपोल जिसमें एक हेड होता है, बीच में एक छोटी सी कॉलर होती है, टेल होती है और टेल फाइबर्स होते हैं। सारे बैक्टीरियोफेज टेडपोल की आकृति के नहीं होते। हमने टेडपोल की आकृति जब वायरस के विभिन्न प्रकार के शेप्स पढ़े थे तो उसमें हमने कॉम्प्लेक्स प्रकार का वायरस पढ़ा था, जटिल प्रकार का वायरस, जिसमें हमने टेडपोल की आकृति पढ़ी थी। हेड एंड टेल शेप्ड होता है। सभी जीवाणुभोजी टेडपोल की आकृति के नहीं होते, किसी में टेल नहीं पाई जाती, किसी में टेल मिलती है, लेकिन प्रमुखतः मुख्य मुख्य जीवाणुभोजी टेडपोल की आकृति के ही होते हैं। अगर इनके न्यूक्लियोइड या केंद्रकाप की बात की जाए तो इसमें डीएनए अथवा आरएनए मिल सकता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है अथवा सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। इसका अरेंजमेंट लीनियर या सर्कुलर हो सकता है। लीनियर मतलब रेखीय क्रम में, सर्कुलर मतलब गोलाकार क्रम में इसका अरेंजमेंट हो सकता है। जीवाणु भेजी जो सबसे अधिक उन जीवाणु भोजियों की के बारे में रिसर्च की गई है जो कि ई कोलाई जीवाणु को इन्फेक्ट करते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले जीवाणु भोजी मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक होते हैं टी फेज और एक होते हैं लैम्डा फेज। टी फेज की खोज का श्रेय मैक्स डेलब्रक को दिया जाता है। इन्होंने 1938 में टी फेज की डिस्कवरी की थी। इन्होंने जिस क्रम में विभिन्न टी फेजेस को खोजा उस क्रम में वे उनको नाम देते गए, जैसे T1, T2, T3, T4। इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, T-even फेज एंड T-odd फेज। जो भी टी फेज इवन नंबर वाले होते हैं, मतलब सम संख्या वाले होते हैं, जैसे T2, T4, T6, T8 इत्यादि, इन सबको कहा जाता है T-even फेज। उसी प्रकार से जो भी टी फेज विषम संख्या वाले होते हैं, जैसे T1, T3, T7 एंड सो ऑन, इन सबको कहा जाता है T-odd फेज। ज़्यादातर जो कार्य किया गया है, ज़्यादातर जिस पर रिसर्च की गई है, वे है T-even फेज, सम संख्या वाले टी फेज। इसी प्रकार से लैम्डा फेज की खोज का श्रेय एंड्रे लॉफ को दिया जाता है। एंड्रे लॉफ ने 1953 में लैम्डा फेज को खोजा था। लैम्डा फेज और टी फेज एक दूसरे से बहुत भिन्नता दर्शाते हैं, क्योंकि लैम्डा फेज एक प्रकार का संयत प्रकार का या अनुग्रह प्रकार का फेज है, जो कि आगे हम देखेंगे एक लाइसोजेनिक साइकिल होता है वो फॉलो करता है, जबकि जो टी फेज होता है यह उग्र प्रकार का होता है जो कि लाइटिक साइकिल फॉलो करता है।
इसी के साथ में बैक्टीरियोफेज से एक चीज़ और जुड़ी है, वह है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है पारक्रमण। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन है, जिसमें एक जीवाणु भोजी एक एक जीवाणु का बैक्टीरिया जीवाणु का डीएनए किसी अन्य जीवाणु में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक जीवाणु के डीएनए का कुछ भाग यदि किसी दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र हो जाता है, किसके द्वारा? जीवाणु भोजी के द्वारा, तो इसे कहा जाता है पारक्रमण। इसे हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। इसकी खोज का श्रेय जिंडर एंड लिडरबर्ग को दिया जाता है। इन्होंने 1952 में साल्मोनेला नामक जीवाणु में पारक्रमण की खोज की थी। वापस हम रिपीट करेंगे, एक जीवाणु में उपस्थित डीएनए का कुछ भाग किसी अन्य जीवाणु में ट्रांसफ़र हो जाता है, किसके द्वारा? जीवाणु भोजी के द्वारा, तो इसे हम कहते हैं पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। मैंने न्यूक्लियोइड के बारे में बताया था आपको, हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जीवाणु भोजी आरएनए वायरस भी हो सकते हैं, डीएनए वायरस भी हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला जीवाणु भोजी है MS2, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला जीवाणु भोजी है 5-6। इसी प्रकार से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला जीवाणु भोजी है 5/174, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला जीवाणु भोजी है लैम्डा फेज या T4 फेज। यहाँ पे जीवाणु भोजी का की एक पिक्चर भी है और साथ में उसका डायग्राम भी है। पिक्चर और डायग्राम में बहुत अंतर होता है, आप जानते हैं। डायग्राम नामांकित होता है और यह ऐसा किसी की फ़ोटो नहीं खींची गई, जबकि पिक्चर में ऐसा होता है कि उसकी फ़ोटो खींची जाती है। तो यहाँ पे जीवाणु भोजी की फ़ोटो भी है और साथ में इसका डायग्राम भी है। T7 जीवाणु भोजी आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ऊपर एक हेड दिखाई दे रहा है, नीचे टेल दिखाई दे रही है। और अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसके हेड के बाहर वाला भाग जो प्रोटीन कोड लिखा गया है, यह कैप्सिड होता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, नीचे एक टेल पाई जाती है और टेल के साथ में अटैच होते हैं टेल फाइबर। तो इस प्रकार से जीवाणु भोजी की संरचना होती है। जीवाणु भोजी का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज दो प्रकार का हो सकता है। पहला होता है लाइटिक साइकिल, या इसे कहते हैं लयनकारी चक्र। दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल, जिसे कहते हैं लयकारी चक्र। लाइटिक इसके नाम से लग रहा है कि यह लयकारी लयनकारी है, मतलब इसमें जीवाणु की कोशिका का लयन हो जाता है, जीवाणु की कोशिका नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल यह पाया जाता है उग्र प्रकार के जीवाणुओं में, उग्र प्रकार के जीवाणु जीवाणु भोजी में। उग्र प्रकार के जीवाणु भोजी का आपने उदाहरण पढ़ा था, वह होता है T फेज। इसी प्रकार से दूसरा जो लाइफ साइकिल है वह है अनुग्र प्रकार का या संयत प्रकार का, जिसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें जीवाणु की कोशिका नष्ट नहीं होती, और इसका उदाहरण है लैम्डा फेज, जो कि संयत प्रकार के या अनुग्र प्रकार के जीवाणु भोजी होते हैं। इन दोनों लाइफ साइकिल को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइटिक साइकिल को हम हिंदी में बोलते हैं लयनकारी। लयनकारी मतलब जीवाणु कोशिका को नष्ट करने वाला लाइफ साइकिल। इसकी मुख्य रूप से पांच अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहली अवस्था होती है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है जीवाणु भोजी का जीवाणु की सतह पर चिपकना या अटैच होना। यह किस प्रकार से होता है? जीवाणु भोजी जीवाणु की सतह पे उसके टेल फाइबर्स की सहायता से चिपकता है। इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब एक बार यह जीवाणु से चिपक जाता है तो उसके बाद में Stage 2 होती है। Stage 2 होती है एंट्री। एंट्री मतलब प्रवेश। किसका प्रवेश? यहाँ पे संपूर्ण जीवाणु भोजी जीवाणु की कोशिका में प्रवेश नहीं करता, जबकि जीवाणु भोजी का सिर्फ न्यूक्लियोइड डीएनए अथवा आरएनए जीवाणु भोजी में प्रवेश करता है, तो इसे हम कहते हैं एंट्री। उसके बाद आता है Stage 3, जो है डीएनए कॉपिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब डीएनए की प्रतिकृति करना तथा प्रोटीन का निर्माण करना। जब एक बार जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर गया तो यह वहाँ प्रतिकृत होता है। प्रतिकृत होना करता है कैसे? रेप्लिकेशन के द्वारा यह अपनी प्रतिकृति करता है, बहुत सारी कॉपीज बनाता है। बहुत सारी कॉपीज बनाने के बाद में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तथा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन के द्वारा। इन सब प्रक्रियाओं में हम जानते हैं कि चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, इन सभी प्रक्रियाओं में बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ये सारे एंजाइम्स जीवाणु के ही जीवाणुभोजी काम में लेता है, इसके स्वयं के कोई भी एंजाइम यह वहाँ पे काम में नहीं लेता। तो इस प्रकार से जीवाणु की मशीनरी को काम में लेके यह अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और साथ में प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। जब एक बार डीएनए का निर्माण हो गया जीवाणुभोजी के और समस्त प्रोटीन्स का निर्माण भी हो गया, तो चौथी अवस्था होती है असेंबली ऑफ न्यू फेज, नए फेज बैक्टीरियोफेज का असेंबली होना या उनका इकट्ठा होना उसके पार्ट्स का। तो होता क्या है, जो कैप्सिड है, टेल है, इनको बनाने वाले प्रोटीन इकट्ठे होते हैं और इनके बीच में डीएनए, एक एक डीएनए असेंबल हो जाता है। तो इस प्रकार से नए फेज पार्टिकल का निर्माण हो जाता है। जैसे ही बहुत सारे फेज पार्टिकल का निर्माण हुआ, स्टेज फाइव स्टार्ट होती है। स्टेज फाइव होती है लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है, लाइसिस के अंतर्गत जिस जीवाणु में बैक्टीरिया फेज ने अटैक किया था उस जीवाणु की कोशिका बर्स्ट हो जाती है तथा समस्त जीवाणु भोजी बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पांच अवस्थाएं हम रिपीट करेंगे। पहली है अटैचमेंट, दूसरी है एंट्री, तीसरी है डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, चौथी है असेंबली ऑफ न्यू फेज और पांचवी होती है लाइसिस। तो इस प्रकार से इन पांच अवस्थाओं के द्वारा लाइटिक साइकिल होता है। ये इस वाले डायग्राम में पहली और दूसरी अवस्था, मतलब पहली होती है अटैचमेंट और दूसरी होती है एंट्री ऑफ डीएनए, वह बताया गया है। आप देखिए सबसे पहला जो डायग्राम है इसमें यह अपने टेल फाइबर, आप देख रहे हैं दो पैरों जैसी संरचना दिख रही है, दो टेल फाइबर के द्वारा यह जीवाणु भोजी जीवाणु की सरफेस पे अटैच हुआ। उसके बाद में यह थोड़ा नीचे की तरफ कंप्रेस होता है और बीच में यहाँ पे स्पाइक्स पाए जाते हैं, जो येलो कलर की चीज़ आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं स्पाइक्स। टेल बेसल प्लेट के नीचे कुछ कांटेनुमा संरचनाएँ पाई जाती है, यह उसके द्वारा जीवाणु की सरफेस पे अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच होता है तो आप देख रहे हैं कि जैसे इंजेक्शन निकलता है उसी प्रकार से जो कोर भाग होता है, कोर भाग कौन सा, जीवाणु भोजी के टेल के जो बीच वाला भाग है कोर भाग, यह कोर भाग इंजेक्शन के समान अंदर प्रवेश करता है जीवाणु भोजी में और एक रास्ता तैयार करता है किसके लिए, इसके डीएनए के लिए। उसके पश्चात एंट्री होती है, एंट्री किसकी, डीएनए की। तो जीवाणु भोजी का जो डीएनए यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाया गया है, यह डीएनए अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो ये अवस्था हो गई पहली तथा दूसरी, जो कि है अटैचमेंट एंड एंट्री। यह एक पिक्चर दी गई है जो कि कैमरा से ली गई पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं एक बड़ी सी जो एक गोलाकार संरचना दिख रही है, जो अभी अर्ध गोलाकार दिख रही है, यह है जीवाणु की कोशिका। इस पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी अटैच्ड है इसकी सरफेस के ऊपर, जो हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। तो पहला साइकिल हम पढ़ चुके हैं जो कि होता है लयनकारी, जिसमें जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाती है, और इसका जो उदाहरण था लयनकारी का हमने बताया था कि वो होता है टी फेज। अब हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल या लयकारी साइकिल। लयकारी में जीवाणु भोजी कोशिका का लयन नहीं होता। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो स्टेप वन एंड टू, वन क्या था अटैचमेंट एंड टू क्या था एंट्री, वन एंड टू दोनों में सेम होता है। जिस प्रकार से लाइटिक में अटैचमेंट एंड एंट्री हुई उसी प्रकार से लाइसोजेनिक में भी अटैचमेंट एंड एंट्री हो जाती है, परंतु उसके बाद में जो स्टेप्स होते हैं वो इसमें अलग होते हैं। यहाँ पे जो तीसरा स्टेप होगा वह रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो जीवाणु भोजी का डीएनए है जो कि जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कर जाता है, वह जीवाणु के डीएनए के साथ में जुड़ जाता है। वापस रिपीट कर रही हूँ, जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु के डीएनए के साथ में जुड़ जाता है तथा क्या कहलाता है, प्रोफेज, तथा क्या कहलाता है, प्रोफेज। तो इस प्रकार से यहाँ पे जीवाणु भोजी के डीएनए का कोई किसी प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं होता या ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ना तो आरएनए का निर्माण होता है ना ही प्रोटीन का निर्माण होता है, वह जीवाणु के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। और जिस प्रकार से जीवाणु की कोशिका मल्टीप्लाई करती है या गुणन करती है, उसी प्रकार से वह बिना जीवाणु की कोशिकाओं को नष्ट किए गुणन करता रहता है। परंतु कुछ समय पश्चात या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में
वापस जीवाणु भोजी जो कि अभी प्रोफेज के रूप में था, उसका डीएनए जीवाणु के डीएनए से अलग हो जाता है तथा वापस लाइटिक साइकिल फॉलो कर लेता है। तो इस प्रकार से जो लाइसोजेनिक साइकिल है वह भी वापस लयनकारी या लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार। लाइटिक साइकिल फॉलो करने वाले लाइसोजेनिक साइकिल या लयकारी साइकिल फॉलो करने वाले जीवाणु भोजी होते हैं लैम्डा फेज, जो कि इकोलाई को अटैक करते हैं, परंतु यह इकोलाई को नष्ट नहीं करते, उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करता है इनका डीएनए। इस डायग्राम में कंपाइल रूप से या संयुक्त रूप से लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल बताए गए हैं, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि स्टेप वन दे रखा है जिसमें जीवाणु भोजी ने अटैक किया, अटैच हुआ, और इसका जो रेड कलर का डीएनए है वह जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कर गया। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइटिक साइकिल की। लाइटिक साइकिल में क्या हुआ, लाइटिक साइकिल में जैसे ही रेड कलर का डीएनए अंदर प्रवेश किया, इस डीएनए ने जाके सबसे पहले हमने क्या बोला था, रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इसने रेप्लिकेट किया। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रेड कलर के डीएनए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कैप्शन भी दिख जाएगा, द फेज डीएनए डायरेक्ट्स द सेल मेटाबॉलिज्म में टू प्रोड्यूस वायरल कॉम्पोनेंट्स प्रोटीन्स एंड कॉपीज ऑफ फेज डीएनए। तो जो ब्लू कलर के पार्ट दिख रहे हैं ये है वायरल कॉम्पोनेंट, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वायरस को बनाने वाले, जैसे कि कैप्सिड और टेल्स वगैरह को बनाने वाले, ये ब्लू कलर का पार्ट बनाया और साथ में डीएनए की प्रतिकृति की। नेक्स्ट में हमने क्या स्टेप पढ़ा था, उसमें था असेंबली ऑफ वायरस पार्टिकल। जब एक बार डीएनए तथा प्रोटीन बन गया, ब्लू कलर का पार्ट और रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप हुआ असेंबली, असेंबली या पैकेजिंग। आप देख रहे हैं कि वायरस का पार्टिकल असेंबल होके नए वायरस के पार्टिकल का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे इस पिक्चर में, इस डायग्राम में केवल चार दिखाए गए हैं, एक्चुअली बहुत सारे वायरस पार्टिकल बनते हैं। तो जीवाणु भोजी बन गए, जैसे ही ये बहुत सारे जीवाणु भोजी बने, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या था, लाइसिस। लाइसिस मतलब जीवाणु की कोशिका का बर्स्ट हो जाना, जीवाणु की कोशिका फट जाती है तथा यह जीवाणु भोजी उससे निकल के बाहर मुक्त हो जाते हैं, और जब इन जीवाणु भोजी को एक नया होस्ट मिलता है तो यह पुनः यह साइकिल शुरू कर देते हैं। तो ये हुआ लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल का उदाहरण हमने पढ़ा था टी फेज। अब इसी डायग्राम के अंदर दे रखा है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल का मैंने आपको बताया था कि स्टेप फर्स्ट और सेकंड सेम है, दैट इज अटैचमेंट एंड एंट्री। सेम तरीके से जीवाणु भोजी अटैच हुआ और उसने अपने जीवाणु को इसमें ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ में जीवाणु का डीएनए जुड़ जाता है। रेड कलर का डीएनए किसका है, जीवाणु भोजी का। ब्लू कलर का डीएनए किसका है, जीवाणु का। तो इस प्रकार से जीवाणु के डीएनए में जीवाणु भोजी का डीएनए जुड़ गया और यह क्या कहलाता है, प्रोफेज। इसे हम कहते हैं प्रोफेज। और जिस प्रकार से जीवाणु की कोशिका मल्टीप्लाई करती है, जीवाणु कोशिका जैसे इकोलाई, क्योंकि अगर हम लैम्डा फेज की बात करें तो इकोलाई उसका होस्ट होता है, एस्टीरिया कोलाई को रेप्लिकेशन के डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, तो साथ में जीवाणु भोजी के डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो गया। आप देखिए एक डीएनए से दो डीएनए बन गए और उसके बाद में दो सेल या दो कोशिकाएं बन गई, किसकी, एस्टीरिया कोलाई की। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें किसी भी प्रकार के सेल जीवाणु को, जीवाणु की कोशिका का डैमेज नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने इस एक डायग्राम के द्वारा दोनों प्रकार के लाइफ साइकिल ऑफ जीवाणु बैक्टीरियोफेज पढ़े हैं। तो इस प्रकार से हमने यूनिट वन में जो वायरस वाला टॉपिक है वह कंप्लीट कर लिया है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बैक्टीरिया। धन्यवाद।